सो हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप सभी भी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे ही एक महिला की प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है गर्भावस्था का, तो होने वाले बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होने लगती है गर्भवती माओ को कि हमारा तो बेबी आने वाला है, लेकिन लड़का होगा या लड़की होगी हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में दादी नानी जो लक्षण बताती है ना, लड़का लड़की होने के लक्षण, अक्सर जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो घर में जो बुजुर्ग होते हैं, दादी नानी होती है, वो काफी ऐसी बातें बताती है जिससे हम अनुमान लगाते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में बताऊंगी जो काफी लोग बताते हैं कि ये सही माने जाते हैं। तो क्या वाकई में ये जो लक्षण जो लोग बताते हैं वो वाकई में 100% सही साबित होते हैं या फिर नहीं, तो आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, इसके लिए समझना पड़ेगा, ठीक है। और ये वीडियो बनाने का मतलब सिर्फ आपको जागरूक करना है, सही इन्फॉर्मेशन देना है। इस वीडियो का उद्देश्य जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देना बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिए, क्योंकि मैं आपको लक्षण तो बताऊंगी साथ ही उसके कारण भी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, बने रहिए वीडियो के एंड तक। अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लें, अगर चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, काफी बार क्या होता है कि जैसे जैसे गर्भावस्था का समय आगे बढ़ता है तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देते हैं। कुछ महिलाओं के निप्पल का जो कलर होता है ना, वो बहुत ज्यादा ब्लैक होने लगता है, स्किन काली होने लगती है। तो मेरे दो बेबी बॉय हैं और दोनों के टाइम पर ये जो लक्षण था ना, दोनों के टाइम पर बिल्कुल सेम, बिल्कुल सही साबित हुआ, ठीक है। लेकिन मैं ये दावा नहीं कर रही कि अगर मेरी प्रेगनेंसी में, मेरी फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रेगनेंसी में ये लक्षण मुझ में सेम नजर आया तो आपको भी अगर ये चीजें नजर आ रही हैं तो आपको भी लड़का होगा। मैं ये दावा नहीं कर रही, क्योंकि मैं अब आपको रीजन बताऊंगी। देखिए, प्रेगनेंसी में अक्सर महिलाओं की त्वचा, ज्यादातर महिलाओं की त्वचा का रंग काला हो जाता है, ब्रेस्ट का कलर भी काला हो जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब प्रेग्नेंट लेडी के बॉडी में मेलनिन नाम के हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो स्किन का जो कलर होता है ना, वो बहुत ज्यादा काला सा होने लगता है। जैसे कि गर्दन काली हो जाती है, नाभि काली हो जाती है, नाभि रेखा काली हो जाती है, ठीक है, निप्पल का कलर काला हो जाता है, तो ये चीजें काली होने लगती हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार होता है मेलनिन नाम का हार्मोन्स। अगर ज्यादा मात्रा में है तो स्किन काली हो जाएगी, अगर ज्यादा मात्रा में नहीं है तो स्किन का कलर बिल्कुल भी काला या फिर डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं। और इस लक्षण के बारे में अक्सर दादी नानी भी बात किया करती है, तो आप चाहें तो अनुमान लगा सकती है, लेकिन मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि ये जो लक्षण होता है ना 100% वर्क नहीं करता है। ये सिर्फ आपके हार्मोन्स के ऊपर ही ये जो लक्षण होते हैं ना वो नजर आते हैं, हार्मोन्स के ऊपर ही सारी चीजें डिपेंड होती हैं, ठीक है। तो इनका कोई साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है कि अगर आपकी स्किन का कलर काला हो रहा है तो लड़का ही होने वाला है, कोई भी प्रूफ नहीं है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूँ कि सिर्फ आप अपनी प्रेगनेंसी इंजॉय कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, ताकि होने वाला बच्चा, बेटा हो या बेटी, आपकी संतान है, बस हेल्दी पैदा हो, बस यही आपको ध्यान रखना है। और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और टाइम टू टाइम अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।